मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। मालवा निमाड़ की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सांवेर बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। ऐसे में कांग्रेस के कद्दावर नेता चिंटू चौकसे ने इस सीट को जीतने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेसियों द्वारा सांवेर सीट पर किस तरह से ग्राउंड फील्डिंग की जा रही है, जानने के लिए देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनावों का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सांवेर सीट जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, यहाँ से बीजेपी से तुलसी सिलावट को मौका दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस से बागी नेता प्रेमचंद गुड्डू को मौका दिया है। यहाँ सांवेर सीट पर लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि कांग्रेस ही इसको अपने कब्जे में ले सके। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंटू चौकसे जी। सर, क्या तैयारियां चल रही है सांवेर उपचुनाव सीट पर? किस तरीके से आप कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर रहे हैं ताकि आप अपना पक्ष मजबूती से रख सके उपचुनाव में? देखिए कि जिस तरह से 20 मार्च को सरकार गिरी, तो वो मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के इतिहास में हम काला दिन मानेंगे कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को पैसे के दम पर गिराया गया, खरीद कर गिराया गया, षड्यंत्र करके गिराया गया। ठीक है, गिरा दिया आपने, लेकिन चूंकि कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में वो ऐतिहासिक काम करे थे लोकतंत्र के हित में, जनहित में, चाहे वो किसानों की ऋण माफ़ी का मामला हो, 1 लाख तक की ऋण माफ़ी हो चुकी थी, चाहे बिजली के बिल का मामला हो, तो हम मांगेंगे कि इतने खुश थे लोग कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये तक के बिल में सब का काम, 50-60-70% लोगों का काम इतने रुपए में हो रहा था। अगर आज उसकी बात करें, अगर दूसरे तरीके से बात करें, तो आज लोगों के जिनके 100 रुपये बिल रहा था उनके 2000, किसे 200 आते थे, उसका 3000, 4000, 5000, मतलब अगर मध्य प्रदेश में कहीं अभी सबसे ज़्यादा बात किसी चीज़ की हो रही तो बिजली के बिल की और पेट्रोल के दाम की। तो आज हमारे पास तो वोट मांगने के लिए आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी का नेतृत्व में जो काम हुए वो बहुत बड़े काम हुए, और वो जनता, सांवेर की जनता समझ भी रही है। और जिस ढंग से सरकार को गिराया गया, जिस तरीके से पैसे लेकर इन लोगों ने अच्छी चलती हुई सरकार को गिराया, तो एक एक जनता को मालूम है कि ये हमारे वोट को इन लोगों ने बेच दिया, ये हमारे वोट का अपमान है। तो इन जो 22 गद्दारों ने जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक और अच्छी जनहित की सरकार को गिराया है, तो सांवेर की जनता तो तैयार बैठी है इनको जवाब देने के लिए। ये चाहे अभी सरकार बीजेपी की, चाहे कितने भी बोरिंग करा ले, चाहे कितने भी भूमि पूजन कर ले, चाहे कितने भी डीपी लगा दे, इस 4 दिन की चांदनी से कुछ नहीं होने वाला है। सबको मालूम है कि 1.25 साल में क्या हुआ, यही मंत्री जी थे, यही विधायक जी थे, 1.25 साल में क्या हुआ सांवेर में, कितने गाँवों में पहुँचे, कितने लोगों के काम हुए, सबको मालूम है। एक काम जरूर हुआ था कि सांवेर के हर क्षेत्र में जो 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 लोग डिजर्विंग थे, जो जो लोग योग्य थे किसान ऋण माफ़ी में, जो लोग क्राइटेरिया में आते थे, उन लोगों के सबके ऋण कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो चुके थे। तो निश्चित रूप से आने वाला समय पूरे देश में, यहाँ नहीं, कोरोना महामारी से लेकर चीन की बात करें, किसी भी पेट्रोल डीजल की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, नौकरी की बात करें, व्यापार व्यवसाय की बात करें, तो त्राही त्राही मची पूरे हिंदुस्तान में। पैसा सिर्फ अरबों रुपये, लाखों रुपये की बात होती, पेपर में आम जनता तक कुछ नहीं पहुँच पाया, लोगों की नौकरियाँ जारी है। तो आज तो पूरे देश में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि आने वाले समय में अगर नफरत की राजनीति को ख़त्म करना है देश में और हिंदुस्तान को सेकुलर देश के रूप में वापस स्थापित होना है, तो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो शहर से लेके, गांव से लेके, प्रदेश से लेके, पूरे देश में एक अच्छा अमन चैन के माहौल के साथ काम करेगी। सांवेर चुनाव तो हम जीत गए, 25,000 वोटों से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे हम, और ये 24 सीट है, ये 24 की 24 सीट कांग्रेस जीतेगी और एक नए लोकतंत्र की, शानदार लोकतंत्र की स्थापना होगी। और जिन लोगों ने गद्दारी करी है उन लोगों का जीवन तो खत्म ही हो गया, इनने अपनी माँ के साथ गद्दारी करी है, जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सम्मान दिया, क्या क्या नहीं दिया, ये हमारी गलती है कि हम समझ नहीं पाए छोटे सिंधिया जी को, कि इनका इतिहास नहीं समझ पाए हम, कि झांसी की रानी से लेके, तो राजमाता सिंधिया से लेके, माधव महाराज से लेके, तो जब अगर इतिहास को थोड़ा सा हम ढंग से समझ लेते गंभीरता से, तो समझ जाते कि इन गद्दारों को कुछ थोड़ा सा सेट करो, इनको ज़्यादा दो, जल्दी में है ये चलती हुई सरकार को गिरा देंगे।
लेकिन जनता और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा हुआ है कि इन 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 लोगों ने, जिन लोगों ने जनता का भी नुकसान करा और 15 साल से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से अपने जान निछावर करके अपने पार्टी के लिए काम कर रहा था उनका भी नुकसान करा, तो एक 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 कार्यकर्ताओं के मन में टीस है एंड संट ताकत से इनको हराने की। और उसका शहर कार्यकारी अध्यक्ष के लिए भी आपका नाम सामने आ रहा है, यदि जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप इस पद का निर्वहन करेंगे? निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं आदरणीय विनय भैया बाकलीवाल के साथ में मिलकर उनका हाथ मजबूत करूंगा और ताकत से हम पार्टी संगठन का ढांचा मजबूत करेंगे और ताकत से काम करेंगे। आने वाले ये उपचुनाव तो जीतेंगे ही हम, और आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव है तो नगर निगम के चुनाव में हमारे 45 से 50 पार्षद कैसे जीते, कांग्रेस का महापौर कैसे बने, उसको लेकर भी हम लोग प्लान करेंगे और निश्चित रूप से हम शहर में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कल समन्वय बैठक थी सावेर उपचुनाव सीट के लिए, कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति सामने आई थी विनय बाकलीवाल और आपके बीच में, तो क्या थी विवाद की स्थिति? देखिए कल हमारी बैठक थी, कोई समन्वय बैठक नहीं थी, स्ट्रेटेजिकल बैठक थी कि हम लोगों को क्या करना है, सेक्टर मंडलम किस पे लगाना है, कौन से बूथ पे कौन सा इंचार्ज बनाना है, फिर कौन सा सेक्टर इंचार्ज रहेंगे, उसके बाद में हमारी सम्मेलन कहाँ होंगे कैसे कैसे मीटिंग्स होगी, हम लोग कैसे जनसंपर्क करेंगे और अपनी बात हम जनता तक कैसे पहुँचाएंगे, उसको लेकर मीटिंग थी और उस पर लेकर ही हम चाय नाश्ता हुआ विशाल पटेल जी के और चर्चा हुई और आने वाले समय में हम कैसे जीते उसको लेकर चर्चा हुई, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंटू चौकसी जी, जो कि पूरे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं सावेर उपचुनाव में अपनी जीत के लिए, और उनका ये मानना है कि कांग्रेस इस बार सावेर से वापस से जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP News, इंदौर।